अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश शुद्ध जी का प्रणाम। मित्रों, धनतेरस आने वाली है, दीपावली का त्योहार आने वाला है। जैसा मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं धन संबंधी, लक्ष्मी संबंधी कुछ उपाय आपके सामने लेकर आऊंगा, उसी श्रृंखला में आज मैं एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही अचूक उपाय आपके सामने लेकर आया हूँ। पूरे मनोयोग से कीजिएगा, देखिए असर होता है कि नहीं होता है। जो मैं कह रहा हूँ आप उसको करके देखिए और अपने जीवन में उसका प्रभाव अनुभव कीजिए। करना क्या है, आपको बरगद के किसी पेड़ के पास जाना है। अपने आसपास कोई आपके बरगद का पेड़ हो, बट वृक्ष हो, तो आप दिन में थोड़ा सा रेकी करके आ जाएं, देख कर आ जाएं आसपास। उसके नीचे कोई पौधा उगा हो, छोटा पौधा, बरगद के पेड़ के नीचे कोई छोटा सा पौधा उगा हो, आप नजर में रख लीजिए कि ये पौधा मुझे चाहिए। अब करना क्या है, धनतेरस के एक दिन पहले सायंकाल, धनतेरस के ठीक एक दिन पहले है द्वादशी को, बारस को, आपको उस बरगद के पेड़ के नीचे जाना है। अपने साथ थोड़े से चावल, कुमकुम में मिले हुए लाल रंग के चावल, पूरे चावल, अक्षत जिनको बोला जाता है, ऐसे अक्षत अपने साथ लेकर जाइए अपने हाथ में। और उस बरगद के नीचे खड़े होकर आप उस बरगद से प्रार्थना कीजिए कि हे वटवृक्ष देवता, मैं आपके नीचे से इस पौधे को अपने घर में धन आगमन के लिए ले जाना चाहता हूँ। मेरी धन संबंधी समस्याएं दूर करने के लिए मेरे घर में रिद्धि सिद्धि, लक्ष्मी का वास हो जाए, इस वजह से, इस हेतु मैं इस पौधे को अपने घर पर लेकर जाना चाहता हूँ, इसकी मुझे कृपया अनुमति दीजिए। कल मैं इस पौधे को कल सायंकाल में आपके यहाँ से लेकर जाऊंगा, कृपया मुझे इसकी अनुमति प्रदान कीजिए। उस पौधे से भी यही निवेदन करना है, छोटे से पौधे से भी, कि कृपया हे पादप देवता, आप जो है मेरे साथ चलिए। इस प्रकार से सारा उससे निवेदन करना है जो भी आपके मन में हो लक्ष्मी के लिए। और वो लाल रंग के चावल जो हैं आपको उस स्थान पर आपको चढ़ा देने हैं, उस पौधे के नीचे और थोड़ा बरगद के नीचे, दो जगह। अब आपको करना क्या है, उसी प्रकार से ये चावल अर्पित करके आप अपने घर पर आ जाइए। आपने उसको न्योता दे दिया कि कल मैं आपको इस समय लेकर जाऊंगा। अब आपको अगले दिन यानी धनतेरस के दिन उस पौधे को इस प्रकार से निकालना है। जाते ही वहां पर सबसे पहले प्रणाम कर लीजिए, नमस्कार कर लीजिए। कोई ऐसा आपने साथ कुछ सामग्री लेके जाइए, इंस्ट्रूमेंट लेके जाइए कि जिससे वो पौधा आराम से निकल जाए, छोटा सा पौधा। जड़ समेत, मिट्टी समेत वो पौधा आप अपने साथ लीजिए, उसको सिर पर लगाइए और बिना मुड़े सीधे उसको घर पर लेकर आइए, उसे किसी गमले में रोप दीजिए। गमले में रोपने के बाद आपको उस पौधे की नियमानुसार सेवा करनी है। रोज उसको संध्या समय रोज आपको उसको दीपक लगाना है। दीपक ना लगा सके तो धूप बत्ती दिल लगा दीजिए, उसको उसकी मान मनवार रखिए, कुल मिलाकर बाजिए, उसकी सेवा पूजा आप जैसे भी जितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक विशेष बात, उसको अपने घर के ईशान कोण में रखिए, उत्तर पूर्व दिशा में आप उस पौधे को गमले के अंदर अपने घर के वहां रखिए। धीरे 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 आप अनुभव करेंगे कि ये छोटा सा तंत्र है लेकिन कितना कारगर है। वनस्पति तंत्र के अंतर्गत ये आता है, निश्चित रूप से आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा। जो लोग डरते हैं कि बहुत बड़े बड़े मंत्र और बहुत बड़ी साधनाएं करने की स्थिति में नहीं है, बड़े शहरों के लोग, वो ऐसा इस प्रयोग को करके पूरा लाभ उठा सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसमें कोई चीज समझ में ना आई हो, वैसे बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सा प्रयोग है। सिर्फ ये है कि आपको जाते ही पौधा उखाड़ के नहीं लाना है, एक दिन पहले उस पौधे को लाने के लिए वहां से अनुमति लेनी है कि मैं इसको ले जाना चाहता हूँ, इस वजह से कल मैं आकर लेके जाऊंगा, इसकी मुझे अनुमति प्रदान करें। और अगले दिन आप उस पौधे को अपने घर पर लाइए, ईशान कोण में रखिए, गमले के अंदर रखिए, उसकी पूजा कीजिए, उसकी सेवा कीजिए। धूप दीप अगरबत्ती जो भी आपसे ठीक लगे उस प्रकार से उसकी सेवा कीजिए। निश्चित रूप से आपकी ऋण की कोई समस्या होगी तो दूर हो जाएगी, धन की समस्या कोई होगी तो दूर हो जाएगी, आपके घर में धन का आगमन निरंतर प्रभाव उसका बना रहने लग जाएगा। करके देखिए, होगा। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश शुद्ध जी आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।